यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य सातवां अध्याय। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी कि इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मुहर दी गई, यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शिह के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबुलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहें, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेत किए हैं, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा।